मसूरी में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर आईजी नीलम किशोर ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता और अखंडता का परिचायक है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को देश की 75 चोटियों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के CEO असीम कोहली ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम का प्रतीक है और हमें इसे अपने घरों, कार्यालय और प्रतिष्ठानों में लगाना चाहिए ताकि देशभक्ति का जज्बा प्रत्येक नागरिक के दिल में पैदा हो सके। मसूरी से नौटियाल की रिपोर्ट। देश में हर जगह विशाल का झंडे लगे और साथ साथ देश के हर घर में लोग अपने घरों में, ऑफिस में झंडे को लगाएं। झंडा आप जैसे जानते हैं कि राष्ट्र प्रेम का पहला प्रतीक होता है। इसी कारण हमारी गवर्नमेंट ने भी 75वें साल आज़ादी के अमृत महोत्सव में झंडा लगाने को एक सेलिब्रेशन का एक जरिया माना। सर, हम अपना आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं जिसमें अमृत महोत्सव के तौर पे ये जाना जाएगा। इसमें ITBP जो है वो सीमावर्ती जितने भी एरिया हैं उसमें हम झंडे के महत्व को लेके जा रहे हैं। उसी क्रम में यह झंडा, जो विशाल झंडा जो हम उन्होंने अकेडमी में फहराया है, ये यहाँ के हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे ऑफिसर्स को और शहर के लोगों को प्रेरणा देगा।